आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज। मिर्जापुर में 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ रेलवे कर्मचारियों द्वारा मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए प्रांत अध्यक्ष रमेश कुमार प्रजापति ने बताया कि इसके पहले हम लोग उच्च अधिकारियों को पत्राचार के माध्यम से अवगत करा दिया है, जिससे सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँच सके। उन्होंने कहा है कि ऊपर बैठे नुमाइंदे दो दो तीन तीन पेंशन का लाभ ले रहे हैं और हम लोगों द्वारा अपना हक मांगने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। मिर्जापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट। मैं विनोद कुमार तिवारी, जिला मंत्री, राज्य कर्मचारी संघ परिषद जनपद शाखा मिर्जापुर। आज ये धरना प्रदर्शन, ये क्या है? ये पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के लिए हम सभी साथी, यहाँ तक कि ऑल इंडिया रेलवे के आह्वान पर, राज्य कर्मचारी संघ परिषद उत्तर प्रदेश के आह्वान पर, प्रदेश स्तर के आह्वान पर हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी मांगी नहीं पूरी हुई तो क्या इसकी रणनीति क्या है आज? हम इसके आगे भी कार्यक्रम आया हुआ है, बना हुआ है और हम इस लड़ाई को अंत तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं होती। मैं रमेश कुमार प्रजापति, ब्रांच प्रेसिडेंट मिर्जापुर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन की तरफ से आज यहाँ हम सभी लोग, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो, चाहे जितनी भी संगठन हो, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो, सभी लोग मिल के एक ही झंडे के तले और एक ही बैनर, हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि हम लोगों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। तो इसके लिए आपने अपने अधिकारीगण उच्च अधिकारी को प्रार्थना पत्र या इस संबंध में हमने सभी अपने विभागाध्यक्षों को और जितने भी उनके सुपीरियर हैं सभी लोगों को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया है कि हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन और लोगों को जागरूक करने के लिए रैली और जागरूकता और विरोध प्रदर्शन दोनों रैली हम लोग करेंगे ताकि ये हमारी मांगे सरकार तक उनके कानों में पहुँचे। जो सरकार के नुमाइंदे बैठे हुए हैं ऊपर, जो हमें अयोग्य और भ्रष्ट समझते हैं, कि इनको पेंशन का लाभ देंगे तो देश की हालत खराब हो जाएगी, यानी देश आर्थिक संकट से जूझेगा, जबकि वे लोग निसंकोच दो दो तीन तीन पेंशन का लाभ ले रहे हैं पुरानी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि यदि हम लोग 7 साल तक सेवा किए हैं तो उस सेवा का हक हमें पेंशन के रूप में मिलना चाहिए, जो हमारा ये अधिकार है। इसी संबंध में हमारे राज्य के जितने कर्मचारी गण साथी हैं, जो भी ट्रेड यूनियंस हैं, केंद्र के हैं, आम पब्लिक है, सभी को हम लोग अपने बारे में अपने दुखों से अवगत कराया जा रहा है कि हमारी स्थिति, जब तक हमारे हाथ पांव ठीक हैं, हम लोग कार्य कर रहे हैं, सरकार हमें वेतनभोगी समझ रही है, लेकिन अगर जिस दिन हम रिटायर हो जाएंगे, हमें पेंशन के नाम पे 700 हज़ार रुपये या 1500-2000, जबकि आज की महंगाई को देखते हुए कि 1500 रुपये में एक गैस सिलेंडर तक नहीं आएगा, तो मैं अपने बुढ़ापे में हमारा कौन सहारा होगा? क्योंकि जिसके पास धन रहेगा उस समय, तभी बाल बच्चे और जो बुजुर्ग लोग की सेवा करेंगे, अन्यथा हम लोग भी कहीं वृद्धाश्रम में, अनाथालयों में पड़े रहेंगे। अतः हमारी निवेदन है सरकार से कि हम लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, हम लोगों की मांगों को समझते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए।